भारत माता की वंदे। हाँ तो फ्रेंड, जैसे कि आपको बताया है कि क्वालिटी गुरुस कौन कौन थे, तो यदि अगर आप ISO 9001:2015 डॉक्यूमेंट्स या फिर आप IATF डॉक्यूमेंट्स में काम करते हैं तो आपको इनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। या फिर आप क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं या फिर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं और ऑटोमोबाइल सेक्टर में एंगेज हैं तो इनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स ही आप आगे लाइफ में काम करेंगे और उन्हीं के ऊपर ही आपको काम करना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्यों कौन हमारे क्वालिटी गुरु से। तो जैसे कि नंबर एक पे है, यह है वाल्टर ए शिवार्ट। सेकेंड नंबर पे है हमारे W एडवर्ड्स डेमिंग। नंबर थ्री पे है कौरो इशिकावा। नंबर फोर पे है गेंची टगोची। नंबर फाइव पे है जोसेफ एम जुरान। नंबर सिक्स पे है फिलिप क्रोसबी। नंबर सेवन पे है टाइची ओहनो। नंबर एट पे है वेलफरेड परेटो। नंबर नाइन पे है आर्मेंड फाइडबोम। नंबर टेन पे है मसाकी इमाई। नंबर इलेवन पे है एलेक्स फैगनी ऑसबोर्न। नंबर ट्वेल्व पे है बिल स्मिथ। नंबर थर्टीन पे है फ्रेडरिक विंस्लो टाइलर। नंबर फोर्टीन पे है शिगियो शिंगो। तो ये थे हमारे 14 क्वालिटी गुरु, और भी हमारे क्वालिटी गुरु हैं तो, पर ये मेन हमारे क्वालिटी गुरु हैं। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं कि इन्होंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए और इन्होंने क्या क्या काम किए। तो जैसे कि फ्रेडरिक विंस्लो टाइलर, ये एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे और इनको फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड एफिशिएंसी मूवमेंट भी कहा जाता था, और साथ में इनको फादर ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी कहा जाता था। ही गिव्स द टाइम एंड मोशन स्टडी, जो टाइम और मोशन की जो स्टडी थी वो इन्होंने ही दी थी। दूसरे हमारे क्वालिटी गुरु हैं शिगियो शिंगो, ये एक जापानीज इंजीनियर थे और इनका जन्म सागासिडी जापान में हुआ था। ये इन्वेंटर ऑफ पोकायोका, तो आप पोकायोका का नाम आपने सुना होगा। अगर आपने पोकायोका का नाम नहीं सुना तो आप हमारी वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं और पोकायोका को अच्छे से सीख सकते हैं। तो ये पोकायोका का इन्वेंटर थे और SMED मतलब सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाई, इसके ये इन्वेंटर थे। इसके अलावा ये पी कोर्स और टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के लिए भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा वाल्टर ए शिवार्ट। ये है मिस्टर वाल्टर ए शिवार्ट, ये एक अमेरिकन गुरु थे और ही इज़ नोन एज द ग्रैंड फादर ऑफ TQM। तो ये TQM के ग्रैंड फादर माने जाते हैं। TQM क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। और SQC के फादर माने जाते हैं, मतलब कि स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। ही वॉज एडवर्ड डेमिंग गुरु, और ये हमारे जो एक और गुरु हैं क्वालिटी के एडवर्ड डेमिंग, ये उनके भी गुरु माने जाते हैं। और इन्होंने PDSA भी डेवलप किया था और इन्हीं ने ही SPC चार्ट को डेवलप किया था। SPC मतलब स्टेटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। अगर आपने हमारी SPC की वीडियो नहीं देखी तो आप जाके SPC की वीडियो भी हमारे इसमें देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे गेंची टगोची, ये जापानीज गुरु थे। इन्होंने डिज़ाइन एंड एक्सपेरिमेंट को पॉपुलराइज किया था और ही ब्रेक द डिज़ाइन प्रोसेस इन थ्री स्टेजेस। डिज़ाइन प्रोसेस को इन्होंने तीन स्टेज में डिवाइड किया था, पहला था सिस्टम डिज़ाइन, दूसरा था पैरामीटर डिज़ाइन और तीसरा था टॉलरेंस डिज़ाइन। ही इंट्रोड्यूस क्वालिटी लॉस फंक्शन, और उन्होंने क्वालिटी लॉस फंक्शन को भी इंट्रोड्यूस्ड करा था। तो नेक्स्ट ये हमारे W एडवर्ड्स डेमिंग। ही स्टडीड अंडर शिवार्ट एट बेल लेबोरेटरी। ये जो हमने पहले पढ़ा था मिस्टर शिवार्ट, ये उनके स्टूडेंट थे और इन्होंने बेल लेबोरेटरी में उनसे स्टडी करी थी। इन्होंने 14 पॉइंट्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, इन्होंने 14 पॉइंट जो थे क्वालिटी मैनेजमेंट के वो दिए थे। 7 डेडली सिंस एंड डिसीज इन्होंने ही दिए थे और द थ्योरी ऑफ वेरियंस वो भी इन्होंने ही दी थी। तो नेक्स्ट गुरु है वो है हमारे जोसेफ एम जुरान। जोसेफ मोसास जुरान इज़ नोन एज द फादर ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल। इनको क्वालिटी कंट्रोल का फादर माना जाता था और माना जाता है। जुरान वाज द फर्स्ट टू राइट अबाउट COPQ। जुरान ने ही सबसे पहले COPQ लिखा था। COPQ मतलब कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। नॉन फॉर ही राइट क्वालिटी कंट्रोल हैंडबुक, इन्होंने क्वालिटी कंट्रोल हैंडबुक लिखी थी जिसको कि क्वालिटी का बाइबल भी कहा जाता था, और इसका जो फर्स्ट एडिशन है वो 1951 में रिलीज़ हुआ था। हैबिट ऑफ क्वालिटी कैटेगराइज
फॉर द कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी, क्वालिटी ट्रायलॉजी, डिफाइन क्वालिटी, ऐसे इन्होंने काफ़ी सारी थ्योरीज दी थी। नेक्स्ट ये हमारे कोरो इशिकावा। अगर आप क्वालिटी डिपार्टमेंट में हैं तो इनके बारे में तो आपको पहले से ही पता होगा। चलो हम बताते हैं, ही वाज़ अ जापानीज गुरु, ये जापानीज गुरु थे। ही वाज नोन फॉर पॉपुलराइज सेवन क्यूसी टूल, इन्होंने सेवन क्यूसी टूल को पॉपुलराइज किया था। ही डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटी सर्कल, नोन एज द फादर ऑफ क्वालिटी सर्कल मूवमेंट, ये क्वालिटी सर्कल मूवमेंट के फादर माने जाते हैं। ही डेवलप्ड फिशबोन डायग्राम, इन्होंने फिशबोन डायग्राम डेवलप किया था। ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट डेट नेक्स्ट प्रोसेस इज अवर कस्टमर, और ये इन्होंने ही कॉन्सेप्ट दिया था कि जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो हमारा कस्टमर है। मतलब जैसे कि अगर हम कोई भी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं तो जैसे कि प्लेटिंग के बाद जैसे फाइनल इंस्पेक्शन है, तो प्लेटिंग वालों के लिए फाइनल इंस्पेक्शन उनका कस्टमर हो गया। ये इन्होंने ही थ्योरी दी थी। नेक्स्ट है हमारे फिलिप क्रॉस्बी, ही वॉज वेस्टर्न गुरु, ये वेस्टर्न गुरु थे। नोन फॉर क्वालिटी इज़ फ्री, हिज फर्स्ट बुक विच मेड हिम फेमस, क्वालिटी इज़ फ्री बुक इन्होंने लिखी थी और इन्हीं की इसी को लिखने के बाद ही ये फेमस हुए थे। ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो डिफेक्ट्स, जीरो डिफेक्ट्स का कॉन्सेप्ट इन्होंने ही दिया था। द 14 स्टेप ऑफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स भी इन्होंने ही दी थी। नेक्स्ट है टाइची ओनो, ही वॉज जापानीज गुरु, ये एक जापानीज गुरु थे। ही वॉज कंसाइडर्ड एज द फादर ऑफ टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम विच बिकम लीन मैनुफैक्चरिंग इन द US। तो ये टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के फादर माने जाते थे, बाद में जिसका लीन मैनुफैक्चरिंग इन द US का नाम दिया गया। ही डेवलप सेवन वेस्टेज, जो मुद्दा है ये इन्होंने ही डेवलप किया था। कैनबन सिस्टम, जस्टबिन टाइम, ये भी इन्होंने ही डेवलप किया था। और 5Y, जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, 5Y एनालिसिस, वो भी इन्हीं की ही देन है। नेक्स्ट है मसाकी एमआई, ही वॉज जापानीज गुरु, मसाकी एमआई हमारे जापानीज गुरु थे। ही नोन फॉर द ही इंट्रोड्यूस काइजन, जो काइजन की थ्योरी है, जो काइजन है वो इन्हीं की ही देन है। काइजन इज़ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। अगर आपने काइजन की वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके काइजन का लिंक देख सकते हैं, या फिर आप हमारी वीडियो गैलरी के अंदर काइजन की वीडियो देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है वाल्फ्रेड पैरेटो, ही वॉज अमेरिकन। तो इसके बारे में भी अगर आप क्वालिटी में हो तो इनके बारे में भी आप काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, वाल्फ्रेड पैरेटो के बारे में। ही गिव्स 80-20 प्रिंसिपल, इन्होंने ही 80-20 का प्रिंसिपल दिया था और इन्होंने ही पैरेटो चार्ट को डेवलप किया था। और नेक्स्ट है हमारे एलेक्स फ्रैकनी ऑसबोर्न, ही वॉज अमेरिकन गुरु, ये एक अमेरिकन गुरु थे। नोन फॉर, ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग है वो इन्हीं की ही देन है। नेक्स्ट हार्मड फाइगबॉम, ही वॉज अमेरिकन, ये एक अमेरिकन थे और इन्होंने टोटल क्वालिटी कंट्रोल को डेवलप किया था। नेक्स्ट है बिल स्मिथ, ही वॉज अमेरिकन, ये भी एक अमेरिकन थे। ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ सिक्स सिग्मा, सिक्स सिग्मा के फादर बिल स्मिथ को माना जाता है। तो यहीं पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक